नजर। नोएडा दिल्ली बॉर्डर पर किसानों का हंगामा हुआ है और किसानों ने दिल्ली से नोएडा आने वाले रास्ते को बंद किया। किसानों के हंगामे को देखते हुए दिल्ली पुलिस ने बैरिकेड लगाकर इसे बंद किया। किसानों की कई गाड़ियों को यमुना एक्सप्रेस वे पर रोका गया। इसके बाद किसानों ने हंगामा किया और किसानों का कहना है कि जब तक गाड़ियों को आने नहीं दिया जाएगा तब तक रास्ता बंद रहेगा। दिल्ली और नोएडा के चिल्ला बॉर्डर पर किसानों ने दिल्ली से नोएडा आने वाले रास्ते को बंद करवा दिया। आप तस्वीरों में पीछे देख सकते हैं कि दिल्ली पुलिस के आला अधिकारी मौके पर मौजूद है और अब किसानों का जो प्रदर्शन है भारतीय किसान यूनियन भानों का, उन्होंने दिल्ली से नोएडा आने वाले रास्ते को बंद करवा दिया। उनका कहना है कि जो कुछ गाड़ियाँ यूपी पुलिस के द्वारा यमुना एक्सप्रेस वे पर रोकी गई हैं, जिसके बाद से उन्हें नोएडा की तरफ आने नहीं दिया जा रहा, चिल्ला बॉर्डर की तरफ आने नहीं दिया जा रहा। किसानों ने आक्रोशित होकर अब दिल्ली से नोएडा आने वाले मार्ग को बंद कर दिया है, जिसके बाद भारी तादाद में जो पुलिस बल है वो तैनात यहाँ पे कर दिया गया है। फिलहाल किसानों का कहना है कि जब तक उनकी गाड़ियों को नहीं छोड़ा जाएगा, यहाँ पर तक आने नहीं दिया जाएगा, तब तक दिल्ली से नोएडा आने वाले रास्ते को बंद करके यहीं बैठे रहेंगे। शिव त्यागी, टोटल टीवी, नोएडा।